नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 18 नवंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ मुहूर्त, जिसे हम विजय काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:12 से लेकर 12:36 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है शाम 4:30 से लेकर 6 तक। आज का दिन का जो चंद्रमा है, चंद्रमा सुबह 10:30 तक कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। उसके बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा। यह जो चंद्रमा है, मीन राशि का चंद्रमा, यह गुरु और रवि इन दोनों ग्रहों के साथ नवपंचम योग यानी कि शुभ योग करने जा रहा है। तो यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा सुबह 10:03 के बाद। यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आप ही के राशि के अष्टम भाव में स्थित रवि और गुरु के साथ नवपंचम योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का दिन वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस का रहने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो बुध वक्री हो रहा है, वो बुध आप जहां पर काम करते हो वहां पर आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे, जिसे हम थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह बोलते हैं, ऐसी बातें आपको कुछ अनुभव हो सकती है। उसी प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के संबंधित कुछ विषय या फिर स्वास्थ्य के संबंधित कुछ लक्षण आपको नजर आ सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह बात आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस में ला सकती है, थोड़ा बहुत टेंशन दे सकती है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। यह चंद्रमा सुबह 10:03 के बाद आपके लाभ भाव में आ रहा है, और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु और रवि के साथ यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। मतलब जिस विषय पर आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसी प्रकार कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं। खास करके अगर आप कहाँ पर नौकरी करते हो तो वहां पर आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको अच्छी तरह से मदद भी मिल सकती है। जो स्ट्रेस आपने लिया हुआ था करीबन पिछले 4-5 दिनों से, वह स्ट्रेस अभी धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आज का आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। सिर्फ जो बुध आपका जो पंचमेश बुध है वो आपके सप्तम भाव में वक्री होके आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर आपकी शादी हुई है, आपके संतान हो, तो संतान के बारे में थोड़े बहुत आपको कुछ इश्यू हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु और रवि के साथ यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। खास करके जहां पर आप काम करते हो वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो दोनों तरफ से भी आपकी जो राशि है वो बहुत ही अच्छी चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भी षष्ठ भाव में जो बुध वक्री होकर चल रहा है, जिसकी वजह से आप कोई बड़े डिसीजन, मतलब आने वाले 20-25 दिनों में किसी प्रकार के मेजर डिसीजन, बड़े डिसीजन नहीं लेना, जिसकी वजह से आपके जो लाइफ है, आपका जीवन है, वो परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको ऐसे कोई डिसीजन लेना हो तो मेरे ख्याल से और 20-25 दिन थोड़े सा राह देखो, थोड़ा सा पेशेंस से ले लो। इसके बाद ही कोई जो अगर आपके पास योजना है तो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज के दिन का अगर देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था, और वह सुबह 10:08 के बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। करीबन कर्क राशि ने पिछले, यह जो 2018 के जनवरी से लेकर सितंबर तक जो प्रेशर सहा हुआ था, वो प्रेशर अभी धीरे 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 कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव में जो गुरु है, वह गुरु आपके सभी जो काम है उसमें अच्छी प्रकार से, मतलब वो शुरुआत ला रहा है, अच्छी बेटर हैपनिंग हो रही है, उसका आप अनुभव भी कर रहे हो। आज के दिन का अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में जो चंद्रमा भ्रमण करेगा सुबह 10:03 के बाद, वो आपके बहुत से जो प्रॉब्लम्स है वो अभी नॉर्मल और सॉर्ट आउट करेगा। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मनस्थिति है, वो बहुत ही अच्छी होगी। खास करके जो काम करते हैं, मतलब अलग अलग मुद्दे पर जो काम करते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, तो सभी लोगों के लिए, मतलब अगर आप नौकरी करते हो, बिजनेस हो, गृहिणी हो, या फिर विद्यार्थी वर्ग हो, सभी के लिए आज का जो दिन है या फिर आने वाला जो कालावधि है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज का आपका दिन बहुत ही लकी और अच्छा साबित होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो भाई बहन होंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको कुछ स्ट्रेस या टेंशन हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि।
सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था और यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा सुबह 10:03 के बाद, और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु और रवि के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा ऐसा दिन नहीं होगा, लेकिन आपकी जो राशि है वो खास करके आपके घर के मामले में ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन आज के दिन ऐसा ही कुछ न कुछ ऐसे बातें हो जाएगी, परिस्थिति निर्माण हो जाएगी जिसके जैसे आपको घर पर घर के जो आपके जो सदस्य है उनके बारे में सोचना होगा, उनके बारे में ध्यान देना होगा, उनके बारे में कुछ आपके मन में है या फिर उनकी जो डिमांड्स है वो आपको आज पूर्ण करनी होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन है तो घर वालों की ही सुनने में ज़्यादा जाने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा आएगा सुबह 10:03 के बाद, और आप ही के तृतीय भाव में जो रवि और गुरु है उसके साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, और जो स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, जिनका खुद का अपना बिजनेस है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। नए नए आइडिया जो आपके मन में थे वो प्रत्यक्ष रूप में आ सकते हैं, और जिस विषय पर आप सोच रहे हो जिसमें आपको राह नहीं मिल रही है तो वह जो बात है वो अभी मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्वभाव है, आपका जो मूल स्वभाव है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाले 20-25 दिनों में आपका जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आएगा। मतलब डिसीजन आप जल्दी नहीं ले पाओगे, बहुत तरह का स्ट्रेस आप खुद ही ले लोगे जो कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगे, लेकिन उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जो भी बातें आपके सामने आती है उसके ऊपर विश्वास करके चलो, समय भी बहुत अच्छा है, जल्दी से अगर आप राइट डिसीजन ले लोगे तो मेरे ख्याल से आने वाला जो भविष्य काल है, फ्यूचर है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। उसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था और सुबह 10:03 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके जहां पर आप काम करते हो और या फिर जहां पर आप बिजनेस करते हो वहां पर जो कि परिस्थितियां रहेगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। हालांकि जो जो चंद्रमा षष्ठ भाव का है वो आपके द्वितीय भाव के रवि और गुरु के साथ नव पंचम योग कर रहा है, तो फैमिली के बारे में आज आपके खर्चे वगैरह हो सकते हैं, आप फैमिली के लिए खर्चा भी कर सकते हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि और 2-3 दिन आपकी राशि के लिए सेहत के मामले में थोड़े बहुत ऊपर नीचे बात हो सकती है। तो यही कारण है, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन वैसे अच्छा है, लेकिन खर्च के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा था और अब आज सुबह 10:03 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के राशि में स्थित रवि और गुरु के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। बहुत महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद आपके लिए कुछ अच्छा समय आ रहा है जिसका आप अनुभव कर रहे हो, मतलब करीबन 1 महीने से। तो यही जो अनुभव है वही अनुभव अभी धीरे धीरे और भी बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि आपके राशि में जो गुरु आया है वो गुरु बहुत से ऐसे शुभ परिणाम आपके लिए लाएगा। तो जिस विषय में आप काम करते हो सभी बार, मतलब वृश्चिक राशि के जो भी गृहिणी होंगे या फिर नौकरी करने वाले होंगे या फिर बिजनेस करने वाले होंगे या फिर विद्यार्थी होंगे, सभी के लिए यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ होने वाला है। तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए, सभी विषय पर आपके जो आप जो भी विचार करोगे वो पॉजिटिव होने वाले हैं। सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, जहां पर आप काम करते हो उस काम के नए जो बिजनेस हम जो बोलते हैं या फिर बिजनेस फैलाना जिसे हम बोलते हैं, वो करीबन 20-25 दिनों के लिए थोड़ा सा वो जो डिसीजन है वो रोक के रखो, क्योंकि बिजनेस के बारे में जो भी आप डिसीजन लोगे वो शायद से गलत हो सकते हैं आने वाले 20-25 दिनों के लिए। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा था, अभी यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और आपके वैय भाव में स्थित रवि और गुरु के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो आपने करीबन 3-4 दिनों में बहुत थोड़ी मेहनत की है, आपने थोड़ा स्ट्रेस भी लिया है, थोड़े बहुत निगेटिव भी हो गए थे, लेकिन आज के दिन आप थोड़ा बहुत घर पर रहना पसंद करोगे या फिर आराम करना पसंद करोगे, घर वालों के मामले में थोड़ा ज्यादा आप देखोगे, क्योंकि आपकी भी जो राशि है घर में ज्यादा नहीं रहती, ज्यादा बाहर ही रहती है, बाहर के लोगों के जो विचार है वो आपको ज्यादा पसंद पड़ते हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा होगा कि घर वालों की आपको सुननी पड़ेगी, मतलब घर के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें आप थोड़ा विचार करोगे, उसमें से कुछ सोल्यूशन निकल के आता है या नहीं उसके बारे में सोचोगे। तो आज का दिन करीबन देखा जाए तो थोड़ा आपका आराम का ही बीतने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण था और सुबह 10:03 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके लाभ भाव में स्थित रवि और गुरु के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है।
तो आपके लिए आज का दिन सभी मायने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ है, क्योंकि लाभ भाव में स्थित रवि और गुरु के साथ आपके तृतीय भाव का चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो सक्सेस हर जगह पर आपको सक्सेस मिलेगा, जिस विषय पर काम करते हैं उस विषय में भी सक्सेस का मिलेगा। अगर कोई आपसे कोई सलाह मांगता है, आप उसको कोई सलाह देते हैं, तो वो सलाह भी बाकी लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इस तरह से आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व को लेकर बहुत ही अच्छे ऐसी इमेज आपकी हो जाएगी और आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। सिर्फ सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी चारों दिशा से आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन बीतने वाला है। खास करके जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं उसका भी विचार किया जाए तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो चंद्रमा भ्रमण कर रहा था, यह चंद्रमा अभी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा सुबह 10:03 के बाद। और आपके दशम भाव में स्थित जो रवि गुरु है, उस रवि गुरु के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो सेविंग के मामले में, पैसे के मामले में आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। मतलब सेविंग आप हो सकती है, पिछले करीबन 4-5 महीने से आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे, तो घर का जो मामला है वो भी नॉर्मल होने वाला है। तो सभी प्रकार के जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहे। सिर्फ आप अगर सिर दर्द या फिर ऐसी कोई इन्फेक्शन से परेशान हो तो उसके लक्षण के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक, मतलब सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। या फिर करियर, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, यदि आप गृहिणी हो, सभी के लिए, सभी कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन है वो बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में सुबह 10:03 के बाद चंद्रमा आप ही के राशि में आने वाला है और आपके भाग्य भाव में स्थित जो रवि और गुरु है, उस रवि और गुरु के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। मतलब जो भी काम आपने देखा भी होगा, करीबन एक महीने से जिस प्रकार से आप चाहते हो उसी प्रकार से घटनाएं घटी जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ नया कुछ करना है, नए कोई प्रोजेक्ट साथ में लेने हैं तो ज़रूर लीजिए, उसके ऊपर दोबारा मत सोचिए, क्योंकि आपके जो राशि है वो भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाती। तो पूरी जी जान से जो भी आपको काम करना है उसके पीछे पड़ो, आपके सभी जो काम है वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका मूड भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का राशिफल दिनांक 18 नवंबर के लिए। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने चैनल के जो नए नए वीडियोस हर दिन आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको सामने बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना। धन्यवाद।